AKS for public. नमस्कार दोस्तों, आप तो मुझे जानते ही होंगे। मेरा नाम है अक्षय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ना किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे, ना कोई रिव्यू देंगे और ना ही कोई ट्रेलर का रिएक्शन देंगे। आज हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। आपको टाइटल पढ़ के तो पता चल ही गया होगा कि हम आज किस चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, किन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आज हम उन दो लोगों की बात करेंगे, उन दो लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके वजह से काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, इवन मी आल्सो। मैं आज यूट्यूब पर हूँ तो इसका क्रेडिट, इसका श्रेय इन्हीं दो लोगों को जाता है। और भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनसे इंस्पायर होकर अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत करते हैं। और अगर आप दोनों मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको बता दूँ कि मैं भी आपके उन लाखों फैंस में से एक हूँ। और जो व्यूवर्स हैं मेरे, मैं उनको बता दूँ कि ये दोनों यूट्यूब इंडस्ट्री के काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज हैं। एक है गौरव जी और दूसरे है सागर सर। ये दोनों यूट्यूब पर अपने अपने टेक्नोलॉजिकल चैनल्स चलाते हैं। जी हाँ, टेक्निकल चैनल्स चलाते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनके चैनल्स किस तरीके से दिखते हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों, ये है टेक्निकल गुरुजी का चैनल। जी हाँ, ये है गौरव सर का चैनल, आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ उनके चैनल्स में। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं और इनका सबसे स्पेशल एडिशन जो मुझे पसंद है वो है इनका टिकटॉक से, जो कि ये हर रोज़ डालते हैं, सिर्फ संडे को छोड़कर। मैं आपको इनकी वीडियोस दिखा देता हूँ कैसी कैसी है, आप देख पा रहे होगे। ये संडे को, हर संडे को लाइव्स आते हैं। और ये मैं आपको इनके स्टैटिस्टिक दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे इनके कितने करोड़ों में व्यूज़ हैं। जी हाँ, 35 करोड़ से ऊपर के व्यूज़ हैं इनके पास। और इनके सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो इनके सब्सक्राइबर 3.8 मिलियन के आसपास हैं। जी हाँ, और ये इंडिया के नंबर वन टेक्निकल यूट्यूबर है। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे इनका चैनल है। और ये एक और चैनल भी चलाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें ये नॉन टेक्निकल चीज़ें डालते हैं व्लॉग्स टाइप में। जी हाँ, ये दूसरा चैनल इनका गौरव चौधरी के नाम से है, आप देख पा रहे होंगे। ये है इनका चैनल और इसमें ज़्यादातर ये नॉन टेक्निकल चीज़ें ही डालते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये इनका नॉन टेक्निकल चैनल। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि सागर सर का चैनल कैसा है। आप देख पा रहे होंगे यह है सागर सर का चैनल। जी हाँ, सागर सर भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही डालते हैं, बस उनका जो वीडियोस डालने की वैरायटीज है वो टेक्निकल गुरुजी से थोड़ी सी ज़्यादा है। जी हाँ, ये काफ़ी वैरायटीज के वीडियो डालते हैं और स्पेशली ये हैकिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो डालते हैं। और मैं बता दूँ आपको, इसी के वजह से इनका चैनल्स के साथ भी काफ़ी दिक्कतें आती रहती हैं। मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा, आप देख लीजिए कि यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस हैकिंग के ऊपर हैं।
और YouTube पॉलिसी के हिसाब से आप हैकिंग के वीडियोस नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे वीडियो हैकिंग के ऊपर डाले हैं और ये मैं कह सकता हूँ ये ऐसे इकलौते हैं जो YouTube के ऊपर हिंदी में हैकिंग के वीडियोस डालते हैं। और इनका भी एक दूसरा चैनल है सागर की वाणी, उसमें ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों वीडियोस डालते हैं। और ये जो दो वीडियो है आज इनके ऊपर मैं बात करने वाले हैं, इनके ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा और बताऊँगा आप लोगों को। इनका सब्सक्राइबर बेस है जो मैं वो भी बता दूँगा आपको, टेक्निकल सागर का सब्सक्राइबर बेस है जो तकरीबन कुछ 6 लाख के आसपास है। जी हाँ, 6 लाख के आसपास इनका भी काफ़ी बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। और कुछ फैंस मैं भी एक फैंस हूँ, मैं भी इनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ, इनके वीडियोस देखता हूँ, इनसे सीखता हूँ। और चलिए अब हम अपने नॉर्मल मोड पे आते हैं और मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप यूट्यूब से कनेक्टेड होंगे और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो आप इन दोनों को तो जानते ही होंगे। और इनके बीच में जो इस वक्त जो टेक्निकल कोल्ड वॉर चल रहा है उसके बारे में भी जानते होंगे। इनके बीच में जो ये टेक्निकल कोल्ड वॉर चालू है उसकी जो शुरुआत की बात करते हैं, तो अगर आप लोगों ने सागर की वाणी जो चैनल है अगर उस पर जाकर जो टॉप के 2 वीडियो है देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच में जो गौरव सर है और सागर सर है उनके बीच में क्या क्या हुआ आपको पता चल गया होगा। लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग है वो हुई शुरू कहाँ से हुई थी, मैं उस गेमिंग साइट के इंसिडेंट्स वाली बात नहीं कर रहा, मैं ये जो मैटर कहाँ से चालू हुआ, इतना हाइप कैसे पकड़ लिया इस मैटर ने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसकी स्टार्टिंग हुई थी जब सागर सर के चैनल पे, जो सागर सर का जो टेक्निकल चैनल है टेक्निकल सागर नाम से, उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत स्ट्राइक आ गई थी और उनके चैनल में जो अपलोडिंग ऑप्शन है उसे बंद कर दिया गया था। और उस टाइम पे भी टेक्निकल सर जो सागर है उनका चैनल काफ़ी हाइप में था। जी हाँ, और सागर सर भी काफ़ी हाइप में थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उस टाइम पे मुझे भी काफ़ी दुख हुआ था जब सागर सर ने एक वीडियो डाला था उनके दूसरे चैनल में जो जिसका नाम है सागर की वाणी, क्योंकि जो टेक्निकल सागर चैनल है उस पर वो वीडियो डाल नहीं सकते थे क्योंकि अपलोडिंग ऑप्शन उनका बंद कर दिया गया था। तो उन्होंने सागर की वाणी में चैनल डाला था और उन्होंने कहा था कि वो यूट्यूब को क्विट कर रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था और 2 लोगों को काफ़ी बुरा लगा था। उन्होंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। जी हाँ, वो दोनों हैं माई स्मार्ट सपोर्ट और टेक्नो रोहेस। जी हाँ, माई स्मार्ट सपोर्ट के धर्मेंद्र सर और टेक्नो रोहेस, जी हाँ उन्होंने भी वीडियो बनाई थी। मैं आपको दिखा दूँ वो वीडियो कौन सी है, तो ये है वो वीडियो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, मैं इसका छोटा सा पार्ट दिखा दूँ आपको और उन्होंने क्या कहा मैं ये भी आपको सुना देता हूँ। देखिए वो चीज सागर की वाणी पर उन्होंने अनाउंस किया था ये चीज कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा और बहुत दुख लगता है जब टेक्निकल सागर वो बंदा था जो मतलब बहुत समय से यूट्यूब कर रहा है और बीच में अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मेरे चैनल पे भी कमेंट आया था, रियली बहुत अच्छा और सच में काफी नॉलेजेबल बंदा है, वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल बहुत सही चीज है। लेकिन अब तो दोस्तों आपने सुना कि इन दोनों ने सागर सर के लिए क्या क्या कहा जब ये उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो चैनल क्विट करने वाले, यूट्यूब से क्विट करने वाले, तो धर्मेंद्र सर और टेक्नो रोहेस ने ये सब कहा था उनके बारे में। और मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ, काफ़ी नॉलेज है उनके पास और हैकिंग से रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और अब बात करते हैं टेक्निकल गुरु जी की, जी हाँ गौरव सर की, तो उनके भी मुझे जो न्यूज़ टेकटॉक्स है काफ़ी पसंद आते हैं और काफ़ी यूनिक वे में वो देते हैं दूसरों से। और अब मैं इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी मैं बता दूँ आपको दोस्तों। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन जब इन्होंने सागर सर ने क्विट कर दिया तो
उसके कुछ दिनों बाद जब गौरव सर लाइव थे तो किसी पर्सन ने कमेंट करके उनसे ये पूछा था कि सागर सर ने क्विट कर लिया है, तो उस पर जो टेक्निकल गुरुजी हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था मैं आपको सुनाता हूँ। एक कॉन्शियस फैसला है, यूट्यूब पे आने का फैसला भी आपका तरफ से तो पोक करके नहीं आया था, इंसान ने खुद ने सोचा तो वो यूट्यूब पे आ गया, अभी वो सोच रहा है कि मैं यूट्यूब पे नहीं रहूंगा तो वो नहीं रहेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक लेकिन अगर बात है पब्लिसिटी स्टंट की तो वो गलत हो जाता है, जहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट इस तरीके से होता है कि भाई क्विट 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 ताकि थोड़ा सा मार्केट में हाइप बने, वो पीडीपी वाली बात है ना कि 50 मिलियन जब हो जाएंगे मेरे तब मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, तो इतनी हाइप बन गई उस चीज़ की और फिर चैनल डिलीट तो नहीं हुआ। तो सेम चीज़ है कि अगर आप इसको एक तरीके से मतलब मजाक करते हो भेड़िया है वाली बात, देन इट्स बैड। तो दोस्तों आपने सुना कि गुरुजी ने किस तरीके से जवाब दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। सागर सर सच में उस समय डिप्रेशन में चले गए थे और इसका सबूत है धर्मेंद्र सर और टेक्नो रुहेस, जब उन्होंने इसके बारे में बताया था हमें और मुझे भी काफ़ी दुख हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको आगे इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ कि उन्होंने कोई हाइप वाइप या पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया था सागर सर। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें टेक्नो रुहेस और धर्मेंद्र सर जो माई स्मार्ट सपोर्ट चलाते हैं उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, आइए सुनते हैं। बात हो गई है कि उस परेशानी में सागर फंस गए हैं, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि और ये कमेंट्स भी कर रहे हैं कुछ कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, तो आपको मेरे तरफ से भरोसा कीजिए पब्लिसिटी स्टंट बिल्कुल नहीं है। हमने उनका स्क्रीन जो है ना स्क्रीन देखा है और वो उनको ऐसा अपलोड ऑप्शन जो है अपलोड यूट्यूब नहीं करने दे रहा है। पर्सनली धर्मेंद्र जी उनको अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल उन्होंने इनसे शेयर किया। योर इंडियन कंज्यूमर प्रसाद सर ने भी ये चीज़ देखा है, उन्होंने भी मुझे ये बताया, उनसे भी यही बात हुई है कि ऐसा हो गया। तो जेन्युइन क्रिएटर के साथ यूट्यूब दोस्तों आप लोगों ने सुना कि कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, तो टेक्निकल गुरुजी को कम से कम ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन गौरव सर मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो गौरव सर को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और जो सागर सर है उन्हें भी इसकी इतनी हाइप नहीं बनानी चाहिए थी। चलिए ये आगे कैसे बढ़ा मैं आपको बताता हूँ। फिर जब सागर सर ऑनलाइन आए तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि टेक्निकल गुरुजी ने ये बोला और वो बोला, तो कमेंट्स वाले भी काफ़ी बड़ा चढ़ा के बता रहे थे उस चीज़ को। टेक्निकल गुरुजी ने आपको गलत कहा, उन्होंने मेरा नाम लिया, अगर उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे बताओ, बाकी समझने वाले समझ जाते हैं यार कौन किसको गलत बोल रहा है, और जनता पागल नहीं होती समझ जाती है। लेकिन अगर उन्होंने मेरा नाम लिया है तो प्लीज़ आप उसके बारे में मुझे बताएं, बाय। तो आप लोगों ने सुना कि सागर सर ने फिर इनका रिप्लाई कैसे दिया था, काफ़ी कूल एंड काम वे में इसका रिप्लाई दिया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सर ने कही थी, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहूँगा और मैं मैटर को बढ़ाना नहीं चाहता इन दोनों के बीच के, क्योंकि मैं इन दोनों को प्यार करता हूँ और इन दोनों को पसंद करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैटर जल्दी से जल्दी सुलझ जाए और ज़्यादा उलझे नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि दोनों लोग मुझे पसंद है। जो गौरव सर है उनके टिकटॉक्स काफ़ी पसंद आते हैं मुझे, और सागर सर तो हैकिंग के वीडियोस डालते हैं, और इकलौते ऐसे हैं जो डालते रहते हैं हैकिंग के वीडियोस इतने अपने रिस्क पे, जबकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है हैकिंग के वीडियोस डालना, और फिर भी सागर सर वीडियोस डालते हैं हैकिंग के हमें सिखाने के लिए। जी हाँ, और मुझे लगता है कि सागर सर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जो यूट्यूब ऐसा करता है जेन्युइन जो क्रिएटर्स है जो जेन्युइन वीडियो डालते हैं उनके साथ ऐसा करता है तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है। यूट्यूब को अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए, और जो जेन्युइन यूजर्स है और जो जेन्युइन क्रिएटर्स है यूट्यूब पे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इसके बारे में यूट्यूब को कुछ करना चाहिए, और यूट्यूब को इस पर भी काम करना चाहिए। अगर बड़े यूट्यूबर्स छोटे यूट्यूबर्स को दबाने के लिए कुछ करते हैं तो उसमें भी यूट्यूब को कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए, ना कि इस पर फोकस करना चाहिए कि
हैकिंग्स के वीडियो कोई डाल रहा है, कोई जेन्युइन यूज़र है, उसकी इस पर कम्युनिटी स्ट्राइक लगा दे और उसको डिप्रेशन में डाल दे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और सागर सर को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप दोनों मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं आप दोनों की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये वीडियो मेरा दिल से है, जी हाँ, सारी बातें दिल से हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आपका आपकी उसमें जो कुछ भी हुआ है वो सब सुलझ जाए, जी हाँ। और मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि आपने इतने दिनों में सागर सर के वो दो वीडियोस देख लिए होंगे, जो जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, यूट्यूब वर्ल्ड में काफ़ी तहलका मच गया था, जी हाँ, आपने देख लिए होंगे। और इसमें सागर सर ने काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व भी किया था। मैं आपको थोड़े से उसके क्लिप सुना देता हूँ, ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगा वरना मैं इस पे चैनल पे भी स्ट्राइक आ जाएगा। और सागर सर और गुरुजी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो को दिल से ना लगाएं, मैं वाकई आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपके वजह से ही YouTube पे आया हूँ और वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ आपसे इंस्पायर होके। सो प्लीज़ दिल से ना लीजिएगा, गलती से आप मेरा वीडियो देख भी ले तो। पर नेगेटिविटी का नाम भी नहीं हुआ करता था और उसके आने के बाद से उसकी सबसे लड़ाई हुई कंज्यूमर टेक्नोनुहेज सपोर्ट वालों से पंगा होता, माय सपोर्ट से हुआ, लेकिन उनकी वीडियो डिलीट करा दी गई क्योंकि उन्होंने YouTube के डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे ये व्यक्ति महान बन रहा है, ये बोलता है कि मैं इंडिया आता हूँ तो आप मेरा फ़ायदा उठाइए, मेरे साथ वीडियो बनाइए, कोलैब कीजिए। कोलैब दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। तो आपने सुना कि उन्होंने सागर सर ने इसके बारे में क्या कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं जो गवर्नर सर है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ वो इतने घमंडी नहीं है, लेकिन उस लेवल पे है कि थोड़ा सा ईगो आना आम बात है उनके लिए। और कोलैबोरेशन की बात रही जहाँ तक, तो अगर कोलैबोरेशन में कोई अपने ही साइड से वीडियो डालता है, गौरव सर अपने चैनल में नहीं भी डालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गौरव सर का नाम वैसे भी इतना ऊँचा है कि अगर वो एक साइड से भी वीडियो रही तो दोनों इसको फ़ायदा होता है, जो दोनों यूज़र है दोनों को फ़ायदा होता है। तो इसमें इतनी हाइप बढ़ाने की कोई बात नहीं है। मैं सागर सर से रिक्वेस्ट करूँगा और गुरुजी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों बात करके इसको सॉर्ट आउट कर लें और दोनों वापस से यूट्यूब पे आ जाए और यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस डालना चालू कर दें। और मैं चाहूँगा कि आप कभी हो सके तो कोलैबोरेशन में भी आइए। और बस इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और साथ ही मैं अपने व्यूअर्स से भी विदा लेना चाहूँगा। और सागर सर और गौरव सर के लिए एक बात कहते हुए जाऊँगा, नाराज़ होना आपसे गलती कहलाएगी, आप हुए नाराज़ तो ये सांसें थम जाएगी, आप हंसते रहे यूँ ज़िंदगी भर, आपके हंसी से हमारी ज़िंदगी सवर जाएगी। धन्यवाद और देखते रहिए एक एस फॉर पब्लिक।